गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और हम लोग आज आर्टिकल का सेट वन या टेस्ट पेपर वन सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों के बीच में जो स्लाइड आने वाला है उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं। आप उन्हें सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, और बाकी अगर आप नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसको सॉल्यूशन बोर्ड में देखिए। चलिए, तो ये तो हमारा एडवर्टाइजमेंट है जिसमें इंग्लिश के ऑनलाइन सेट और ऑफलाइन इंग्लिश सेट के बैचेज वगैरह आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक इंग्लिश सेट, एसएससी फुल सेट, ये सब बैचेज जो हमारे यहाँ चलते हैं वो सारे बैचेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। साथ ही साथ सैटरडे और संडे के स्पेशल सेशंस भी आने वाले हैं आपके पास में, जिसमें आपका फर्स्ट हाफ का सेशन 9 से 11 रहेगा, शनिवार को इंग्लिश, और फिर 11 बजे से रहेगा आपका 12:30 तक मैथ्स, फिर आपका संडे को हो जाएगा रीजनिंग और जीके, जिसमें जीके का सेशन पहले होगा 9 से 11, फिर रीजनिंग वाले सर आएंगे 11:30-12:30। ये स्पेशल सेशंस हैं जो कि एसएससी के कैलेंडर को देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोगों के बीच में लाएंगे। तो कमर कस के तैयार हो जाइए, और जो भी स्टूडेंट इस मॉक सीजल मॉक वाला जो ये आपका बैच है इसे बाय किए हैं वो टेस्ट जरूर दीजिए, और मैं पर डे होमवर्क अपडेट कर रहा हूँ, आप लोग कृपया उस होमवर्क को अपडेट करके ही ये वीडियो सोल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस एंटी क्वेज इज पीस ऑफ वर्क। तो सबसे पहले आप यहाँ से समझिएगा कि ये एंटिक जो वेस है वो आपका क्या है, एक बहुत ही अच्छी रचना है, यानी जितनी भी किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई चीजें हैं उसमें ये सबसे बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है क्या इज गुड पीस कैसे होगा, जब भी हमारे पास कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उसके आगे ए या एन तो बनता ही है, कि कम से कम ए और एन तो लगना ही चाहिए था। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए था, आंसर डी करना चाहिए था, क्योंकि और कहीं पर आप देख रहे हो कि बेस्ट का प्रयोग किया गया है, तो हम लोगों को पता है कि क्वेश्चन में जब सुपरलेटिव टर्म का यूज किया जाता है तो वो आर्टिकल जनरली क्या लेके आता है, द लेके आता है, तो इसके हिसाब से चलेंगे तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना। तो आपके पास आंसर फाइनल जो होना चाहिए वो कौन होना चाहिए था, डी होना चाहिए था, इज अ फाइन पीस ऑफ वर्क। सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज द ट्रू फैक्ट। आप ही बताओ, जब कोई चीज फैक्ट है तो उसके आगे ट्रू वर्ड लिखने का कोई आवश्यकता है क्या? तो फैक्ट का मतलब ही हो रहा है कि जो अपने आप में 100% सही हो, तो बस 100% जब ये ट्रू है ही है तो इसमें हम फैक्ट वर्ड के आगे ट्रू वर्ड का यूज कर रहे हैं, जो बेकार में कर रहे हैं और फालतू में कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जब ट्रू वर्ड को डिलीट करते हैं तो सिर्फ बचता है द फैक्ट। आप कहोगे सर द फैक्ट क्यों नहीं होगा, तो देखो सीखो, आप लोगों को एक बार सिखाता हूँ यहाँ से। एडजेक्टिव में आप लोगों ने कैटेगरी पढ़ा होगा कि कंपेरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव टोटल मिला करके होते हैं 3 डिग्री कंपेरिजन, लेकिन मैं मानता हूँ क्या कि एडजेक्टिव के 4 डिग्री कंपेरिजन होते हैं। अब ये चार जो कैटेगरी होते हैं, ये चार कैटेगरी में कौन कौन सा कैटेगरी होता है वो आप लोग को भी पता है। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री होता है, फिर आता है कंपेरेटिव डिग्री, और फिर आता है बारी सुपरलेटिव डिग्री का। लेकिन आप लोगों का एक ऐसा भी डिग्री होता है जो होता है एडजेक्टिव विदाउट कंपैरिजन, मतलब आपको इसमें कभी भी कोई जरूरत ही नहीं है कि द लगाओगे या फिर उसके साथ में ईआर लगाओगे या उसके साथ में मोर वगैरह लगाओगे। तो क्वेश्चन में ऐसे सारे जो वर्ड्स होते हैं वो डिग्री विदाउट कंपैरिजन वाले, उन सभी को हम 100% एडजेक्टिव मानते हैं, और इसकी श्रेणी में देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो 100% एडजेक्टिव में सबसे पहला एडजेक्टिव आता है बारी में परफेक्ट का, ये सबसे ज्यादा पूछा गया वर्ड है। उसके बाद आता है आपके पास में यूनिक वर्ड, उसके बाद अभी जो आपका वर्ड यूज यहाँ पे किया है फैक्ट, ये एक नाउन टर्म है, लेकिन आप फैक्ट वर्ड को एडजेक्टिव की तरह अगर माइंड करोगे तो ये भी वर्ड आएगा। फिर आप लोगों के पास आता है सुप्रीम वर्ड, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो अपने आप में है ये 100% वर्ड है, इनके आगे ना द लगाना सही होता है, ना ही आप लोगों को मोर, मोस्ट, वेरी, ये सब लगाना सही होता है, इसलिए हम लोग फैक्ट के आगे द नहीं क्या लगाएंगे, सिर्फ ए लगाएंगे। तो आपको फाइनली समझ में आ रहा होगा कि ये आंसर यहाँ पर जो है वो द का गलत क्यों था और ए का सही क्यों था। चलिए, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास करा था कि इट वॉज टू इंटरेस्टिंग मूवी। ये तो खैर टू खैर हमेशा ही गलत होगा, कभी सही हो ही नहीं सकता। अब आपको देखना है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन सो लेता है कि सच लेता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सच आंसर किया गया है, सो आंसर यहाँ पे नहीं किया गया है। तो इसके कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको एक स्लाइड देते हैं, पहले उस स्लाइड को समझिए।
ठीक है, सो और सच का यहाँ पर हम लोगों ने अंतर आपको बताया है, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया है कि हम सो का प्रयोग करते हैं अगर एडजेक्टिव आर्टिकल के पहले लिखा जाए, और सो का यूज हम एडवर्ब के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जब सच का यूज करते हैं तो सच में हमेशा जो होता है वो आर्टिकल पहले होता है और एडजेक्टिव बाद में। सो में था एडजेक्टिव पहले, आर्टिकल बाद में, लेकिन इसमें आर्टिकल पहले बाद में आता है। तो मुझे यही समझाना है आप सभी को कि जब भी हम लोग सो और सच का यूज करते हैं तो वहां पे एक बात जरूर माइंड करेंगे कि आर्टिकल का पोजीशन किस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखेगा, इट इज सो इंटरेस्टिंग एंड मूवी, सही है। लेकिन यही चीज को हम सच के साथ लिखेंगे तो लिखाएगा क्या, इट इज सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, है ना। आगे सेंटेंस होगा दैट वगैरह के साथ, नहीं लिखा गया वो अलग बात है। फिर है कि दे आर टॉकिंग सो लाउडली, एडवर्ब था इसलिए हमने सो का यूज किया, क्योंकि आप लोगों को ये भी बताया जाता है कि सो जो होता है वो खुद में एक एडवर्ब की तरह है, और ये किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को अपने साथ ले सकता है। तो सो का नेचर ही है खुद एडवर्ब का, इसलिए किसी एडवर्ब को भी फॉलो कर सकता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सच या फुल, आप नाउन के साथ डायरेक्ट आर्टिकल ए लगा के सच को लिख सकते हैं, और सच चूंकि जो टर्म है वो खुद में क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए डायरेक्ट अपने बाद क्या ले सकता है, नाउन ले सकता है। लेकिन सो के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि सो जो है वो एडवर्ब की तरह ज्यादा ट्रीट होता है, इसलिए जब भी इसके साथ हम नाउन लिखते हैं तो आर्टिकल या एडजेक्टिव आ ही जाता है। फिर आपने लिखा व्हाई डिड यू से सच ए थिंग, तो सच के बाद डायरेक्ट आप नाउन लिख सकते थे, और चूंकि नाउन सिंगुलर था तो नाउन जब सिंगुलर था तो आप एन भी लगा ही सकते थे। तो जिनको सो और सच में ज्यादा परेशानी होती है वो ये चार पांच सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे दिए हैं उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, और स्पोकन का एक हिस्सा इसको बना लें, जिससे आपको दोनों में कंपेरिजन कर पाने में समझ पाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आने वाले समय में। चौथा क्वेश्चन है कि अ नीड ऑफ आवर, तो मैं कहूंगा कि नहीं यार, ये कहावत टाइप का, प्रोवर्ब टाइप का क्वेश्चन होता है, द नीड ऑफ द आवर, है ना, द नीड ऑफ द आवर, ये समय की मांग है। तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका जो ऑफ के पहले नीड रखा गया है उसके पहले यहाँ पे द होना चाहिए था, और चूंकि आवर जो वर्ड है वो ठीक है कि काउंटेबल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे हम 1 घंटे का हिंदी ही नहीं कर रहे, तो 1 घंटे का जब हिंदी नहीं कर रहे हैं तो एन भी नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट और है आपके पास, नाउन और नाउन को जब हम लोग जोड़ते हैं खास करके किसके साथ में, ऑफ के साथ में, किसके साथ, ऑफ के साथ, तो जनरली ये जो ऑफ होता है ये नाउन पहले वाले को भी द दे देता है, और जो सेकेंड वाला टर्म आपके पास होता है उसको भी ये क्या दे देता है, द दे देता है। तो उस कॉन्सेप्ट से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो द नीड ऑफ द आवर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, तो फाइनल आंसर आपका डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था कि व्हाट काइंड ऑफ द बुक डू यू वांट, अच्छा एक बात बताओ, कह रहा है क्वेश्चन का हिंदी कि आप किस तरह की किताब चाहते हो जो क्लियर ही नहीं, आप किस तरह की किताब पसंद करते हो जो क्लियर ही नहीं है। जब इनडिफिनिट सेंस की बातें आप कर रहे हो तो इनडिफिनिट आर्टिकल लगेगा ना, और इनडिफिनिट आर्टिकल होता कौन कौन है, ए एन होता, ताको तो डेफिनेट आर्टिकल सर पढ़ाए थे हम लोग को। तो क्वेश्चन से यहाँ पे आइडिया मिलेगा आपको कि व्हाट काइंड ऑफ द बुक इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम ए लगा सकते हैं यहाँ पे, नहीं लगा सकते। अब बताओ ना किस तरह का एक आदमी बोलेगा, कोई आदमी कि बोलेगा किस तरह का आदमी है यार, तो व्हाट काइंड ऑफ मैन बोलेगा, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन नहीं बोलेगा, इसलिए व्हाट काइंड ऑफ बुक यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। आंसर क्या करेंगे, डी करेंगे। अब ये सिर्फ इतना ही अंडरलाइन या ब्रैकेट होना चाहिए था, है ना, ये पूरा पार्ट यहाँ पे हो गया, अलग बात है। अब जिनको इतना ज्यादा तकलीफ है कि मुझे भाट का क्वेश्चन में बड़ा परेशानी होता है, उनके लिए थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन वर्ड खास करके आपके पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ये ज्यादा मुझे देखने को मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि क्वेश्चन वर्ड खास करके जो प्राइमरली एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, और किस कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले मैंने व्हाट और हाउ को माना है कि एक्सक्लामेटरी का ये दोनों एडवर्ब बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए हम दोनों वर्ड से कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। पहले लिखना है कि व्हाट प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि व्हाट का प्रयोग आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन कॉम्बिनेशन में होता है। एक बात गौर करो हमेशा, एडजेक्टिव और नाउन जब भी यूज करना है तो दोनों को साथ कर देते हैं और आर्टिकल पहले ले आते हैं, आपका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। किसी भी सेंटेंस फंडा है कि जब भी क्वेश्चन में आपको यूज करना है एडजेक्टिव नाउन को साथ में कीजिए, आर्टिकल उसके पहले लगाइए। ये हम लोग स्टूडेंट को फाउंडेशन वैसे ही सिखाते आते हैं कि जब भी हमारे पास दो वर्ड होता है आर्टिकल के बाद तो लास्ट वाला नाउन होता है और उसके पहले वाला एडजेक्टिव होता है और उसके पहले आर्टिकल लगता है हमेशा। तो ये बेसिक चीज है, ये सभी बच्चों को पता होती है। तो यहाँ पे आपने वही लिखा कि भाट एन इंटरेस्टिंग मूवी, कितना शानदार सिनेमा है ये।
भाट काइंड ऑफ मैन यू आर, कैसे आदमी हो यार तुम, तो भाट काइंड ऑफ ए मैन नहीं, भाट काइंड ऑफ मैन। हाउ का प्रयोग भी आप ऐसे ही सेम स्टाइल से कर सकते हो, लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि इसमें एडजेक्टिव पहले चला जाता है और आर्टिकल बाद में आता है, तो ये जो होता है ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है, कई बार हम लोग माइंड ही नहीं कर पाते। जैसे हाउ एन इंटरेस्टिंग मूवी नहीं, हाउ इंटरेस्टिंग ए मूवी, आपको कि इसमें आर्टिकल आप ले आए हो सर, और वो भी कहाँ पे, एडजेक्टिव के बाद, नाउन के पहले, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आर्टिकल का जो यूज हो रहा है वो आपका एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हो रहा है, ये बड़ा ही मजेदार कॉम्बिनेशन आज तक के इतिहास का होता है इंग्लिश का। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सेल्फिश ए मैन ही, यहाँ भी वही चीज हुआ, सेल्फिश एडजेक्टिव है और नाउन आपका यहाँ पे मैन है, और दोनों के बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन, तो आर्टिकल दिख रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। ये भी मैं कहूंगा कि जो भी यहाँ 3, 2, 5 सेंटेंस या 4 सेंटेंस रखेंगे, इनको स्पोकन से आप अपना बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं। देखिए 6 में कह रहा था, आई विल असेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल अ टाइम कम्स। ये बड़ा अजीब मुझे लग रहा है, भाईल टाइम कम्स नहीं होगा, भेन टाइम कम्स होगा, और टाइम को हम काउंटिंग कर ही नहीं सकते तो ए भी नहीं होगा, और जब का इंग्लिश हो रहा है तो यहाँ पे भाईल क्यों, क्या सही होना चाहिए था, भेन। तो भेन और भाईल में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए था। देखिए भेन जो होता है वो आपका सिचुएशन बताने का काम करता है जनरली, ठीक है, और भाईल जो होता है वो सेम सिचुएशन बताने का काम करता है ना, कंटिन्यू जिस समय जो आप बात कर रहे हो उस समय सेम क्या चल रहा था ये बताने का काम करता है, कंटिन्यू सिचुएशन बताने का काम करता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे वेन इज द बेस्ट ऑप्शन, आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन इट कम्स, है ना, वेन द टाइम कम्स, जब टाइम आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब देखो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैंने रखे हैं जो भेन और भाईल से रिलेटेड सेंटेंस के हैं। जैसे पहला आपको काफी फेमस कहावत है ना, मौके का फायदा उठाना, उगते सूरज को पूजना, तो मेक हे के बाद यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा, भाईल द सन साइंस, यू शुड बी रेडी भेन द ड्यूटी कॉल्स, कि देखिए भैया जब ड्यूटी आपको जगाती है, ड्यूटी डिमांड करती है, तो आपको तैयार होना चाहिए था। तो भेन द ड्यूटी कॉल्स भी एक प्रूव वर्ब की तरह यूज होता है, इस समय की मांग के हिसाब से आपको चौकन्ना होना होता है। आई लाइक ए चैलेंज वंस इन अ व्हाइल, यहाँ पे भाईल का यूज आपको दिखाई पड़ रहा है कि वंस इन अ व्हाइल, कह रहा है मैं एक ही चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। भेन इट रेंस इट पोर्स, ये भी काफी तरफा आता है, नहीं समझे, जब बारिश होती है तभी छत टपकना शुरू होता है, यानी कि बारिश भी एक साथ आती है, छत का टपकना भी साथ में होता है, कि चुनौतियां अकेले नहीं आती हैं, चुनौतियां हमेशा साथ में आती हैं। भेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे निकल के खेलना शुरू करते हैं, मतलब साफ है विपत्ति टलने के बाद ही हम आनंद मनाना शुरू करते हैं। भाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जहां पे उम्मीदें हैं वहां ही जीवन है। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो भेन और भाइल के कंफ्यूजन में आपको कर डाल सकता है, तो आप इन्हें अपना बना करके प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। चलिए 7 नंबर, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, पहले तो दैन लगा हुआ है तो कॉम्पिटिटिव डिग्री होना चाहिए था क्या, इजियर डायरेक्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है क्या, बी, है ना, तो ज्यादा सोचना बना है, कम सोचिए। देन का यूज हम लोग जब करते हैं तो इसमें हमेशा जो वर्ड आपके पास होता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन में होता है, कॉम्परेटिव डिग्री में होता है, आपको बस इतना ही सोच करके आंसर क्या कर लेना चाहिए था, सेकेंड ऑप्शन कर लेना चाहिए था। दिस इज प्लेस नहीं, दिस इज द प्लेस होगा, क्यों होगा सर, देखो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, जनरली हम कोई भी जब वर्ड यूज करते हैं खास करके रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं, है ना, रिलेटिव वर्ड, ये रिलेटिव वर्ड आपका तभी थोड़ा सा इम्फेटिकली बेहतर माना जाता है किसी भी सेंटेंस में, जब उस नाउन को थोड़ा इज्जत मिल रहा हो, तो नाउन जो होता है वो अपना इज्जत बढ़ाने के लिए आर्टिकल क्या डिमांड करता है, द डिमांड करता है, तो द प्लस नाउन उसके बाद रिलेटिव वर्ड लिखना ये बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, ये लैंग्वेज का एक अपना है जो कि कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, दिस इज द प्लेस वेयर कृष्णा वाज बोर्न, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इजी देन अ प्रीवियस वन, फिर सेम क्वेश्चन है, इजी की जगह इजियर होना चाहिए था, आंसर आपके पास में क्या है, बी है। चलिए ये सेकंड जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पीछे क्वेश्चन नंबर 6 का ही कॉन्सेप्ट है, कि रिलेटिव प्रोनाउन अक्सर जो होता है वो आर्टिकल द लग के आता है, जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा है ना,
कि भेयर के पहले जो प्लेस था उसके पहले आर्टिकल द की आवश्यकता थी, इसलिए हम लोगों ने इसको यूज किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th, यहाँ फिर आपके पास है, आई हैव एन इनवाइट फ्रॉम ए फ्रेंड। अब देखो क्वेश्चन में आई हैव एन इनवाइट जो यूज किया है, आई हैव एन इनविटेशन भी सही होता है, इनवाइट भी सही होता है, इस पे मत जाओ, जो बोल्ड है उस पे जाओ। फिर करा था टू विजिट द कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट। देखो दो नियम से ये क्वेश्चन बनेगा। एक नियम ये है कि जब हम एंड के पहले दो दो नाउन वर्ड का यूज करते हैं तो दोनों को एक जैसा रखिए, यानी अगर आप इसके पहले द लगा रहे हैं तो इसके पहले भी लगा सकते हैं, हाँ अगर दोनों अलग अलग चीजें हैं तब। दूसरा तरीका होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कंट्रीज मेड आफ्टर मर्जिंग मोर देन वन कंट्रीज, है ना, कुछ ऐसे कंट्री जो कि एक कंट्री नहीं है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, वेस्ट इंडीज, ये सब अकेले कंट्री नहीं है, तो जो भी कंट्री देशों से मिलकर के बनता है उन सभी के आगे हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, है ना। तो जो भी कंट्री मर्ज करके बनते हैं उनके आगे हमेशा क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। ये द का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट हम मानते हैं, तो यहाँ पर वही होना चाहिए था कि क्वेश्चन में आपके पास कनाडा के आगे भी द होता तो अच्छा होता और यूनाइटेड स्टेट के पहले भी होता तो अच्छा होता, तो क्वेश्चन में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता। चलिए तो आप कहोगे सर कनाडा शायद आपका एक ही देश है, सर ये बहुत बड़ा देश है इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ठीक है इसको हम डिलीट यहाँ से कर लेते हैं और सिर्फ क्या रखते हैं आपके पास, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ही मर्जिंग कंट्री के कैटेगरी में खड़ा करते हैं, तो आपके पास आंसर हो जाएगा डी पार्ट। माई न्यू ऑफिस इज इन ए फर्स्ट फ्लोर, पहले तो ये बात बताओ यार कि जब फर्स्ट फ्लोर है तो ऑन होगा, इन कैसे होगा, तो ऑन से ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर सी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको पता है कि फ्लोर कौन सा है, फर्स्ट है, और फर्स्ट कौन सा वर्ड है, ऑर्डिनल वर्ड है, ऑर्डर बताने वाला, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव हमेशा क्या फॉलो करता है, तो द फॉलो करता है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप अभी तक जनरल कॉम्पिटिशन की दुनिया के बहुत बड़े बच्चे हैं, ठीक है ना, थोड़ा मैच्योरिटी लाइए। क्या यूज मैंने कहने के लिए बोला, द बोला जब खास करके कौन सा वर्ड हो, ऑर्डिनल हो, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, है ना, ये सब सारे टर्म्स जो होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव में काउंट किए जाते हैं और इनके साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। लीजिए कह रहा है कि बुलबुली जो होने सर पता है कि जब भी क्वेश्चन में कोई भी एडजेक्टिव टर्म अगर वो कैरी करता है क्या, नाउन, खास करके सिंगुलर कंटेबल नाउन, तो इस नाउन का इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है क्या कि ए या एन होगा, और इस एडजेक्टिव का इफेक्ट पड़ता है कि साउंड के अकॉर्डिंग इसका साउंड यहाँ पे कैरी होगा, तो ए एन उसको देख के रखना है लेकिन साउंड जो होगा वो एडजेक्टिव का प्रायोरिटी में जाता है। तो जैसे कि एडजेक्टिव का साउंड प्रायोरिटी में जाने का क्या मतलब है कि अगर ऑनेस्ट है और यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है तो बॉय के हिसाब से ए भी लग सकता है, लेकिन ऑनेस्ट जो वर्ड यूज किया गया है उसके हिसाब से प्रोनाउंसिएशन आपके पास हो रहा है क्या, कॉन्सोनेट नहीं वोवेल का, देखने में एच वोवेल नहीं है लेकिन साउंड में आपका वोवेल है, इसलिए क्या हो गया, एन हो गया। चलिए तो फाइनल आंसर आपके पास होना चाहिए था कि ऑनेस्ट के पहले वर्ड यूज करना है एन, ठीक है, आंसर फाइनली एक। टॉमीज आईज ग्रू वाइड ऑन ए साइट ऑफ द न्यू बाइसाइकिल, कि जो टॉमी था उसका आंख चौड़ा हो जाता है जब वो देखता है अपने पापा के हाथ में एक नई बाइसाइकिल। तो क्वेश्चन में देखो एक बार ध्यान दो, साइट जो वर्ड है ये आपको मैं मानता हूं कि कंडीशन सेंस का वर्ड है, कंडीशन सेंस का ये मतलब है कि कोई भी आदमी का प्रभाव जो उसके माइंड में या फिर चीजों में हो रहा है उन सबको इंडिकेट करने वाला वर्ड। तो मुझे जहां तक आइडिया है आप लोगों को मैं यही सिखा सकता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में कंडीशन सेंस का कोई वर्ड आता है, जैसे दशा मतलब लाइट, सीन मतलब साइट, स्थिति मतलब सिचुएशन, परिस्थिति मतलब कंडीशन, तो इन सभी को जनरली द के साथ लिखना है, खास करके कब, एट के साथ। जैसे देखिए एट द टॉप ऑफ, जब आपका लाइफ टॉप स्थिति में था तो एट द टॉप ऑफ होगा। एट द अस्प्योर ऑफ द मोमेंट, जब मुझे लगा कि हाँ उसको जरूरत है मदद का तो मैंने मदद कर दिया, तो ये जो एट होता है जनरली द नहीं लेता है, लेकिन कुछ भी हो सिचुएशन और कंडीशन बताने वाले टर्म के साथ एट का यूज जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एट द साइट ऑफ द न्यू बाइसाइकिल, नई साइकिल पर नजर पड़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको रिवीजन भी करने चाहिए कि सर इतना समझाते हैं फिर भी मुझे चीजें थोड़े कंफ्यूजिंग लगती है, तो सोल्यूशन है कि इन क्वेश्चन को रिवीजन के तौलिए भी आप रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइएगा, तो आइए
देखिए इसमें कह रहा था द लैक ऑफ ग्रीन स्पेस हैज लेड टू एन इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल। कोई दिक्कत इसलिए नहीं लगा क्योंकि सबको पता है कि जब हम लोग ग्रीन स्पेस का कमी कर देंगे धरती पर तो ये पॉल्यूशन लेवल में बढ़ोतरी का संकेत होगा। अब एक प्रकार का है ना, या थोड़ा, ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा का जब भी हिंदी होता है तो ऐसे केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए का यूज होगा, एन का यूज होगा, या तो ए के साथ कॉम्बिनेशन का यूज होगा, जैसे ए लिटिल का यूज होगा, है ना, ए फ्यू का यूज होगा, मैंने आपको सिखाया होगा सॉल्यूशन सेशंस में अ फीच का यूज होगा, इस तरह से। तो क्वेश्चन में जब भी थोड़ा का हिंदी सेंस आएगा तो आपको ए एन तो लगेगा। तो कह रहा था कि ग्रीन स्पेस में जो कमी आ रही है उससे पॉल्यूशन लेवल में थोड़ा वृद्धि देखने को मिला है, तो एन इनक्रीज यहाँ पर बिल्कुल सही था, इसमें कोई डाउट नहीं था। आंसर आपके पास नो करेक्शन रिक्वायर्ड जो दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। वॉज वी आर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिसमें कंडीशन सेंस का फीलिंग आएगा वो, या तो फिर आपके पास जनरली नाउन ऑफ नाउन का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था कि इसमें दोनों नाउन को द के साथ लिखना ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है। तो क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादा नहीं यही सोच करके आंसर कर लेना है, क्या आइडिया के पहले तो द ठीक था, गोइंग के पहले भी क्या होना चाहिए था, आपको द होना चाहिए था। अच्छा, गोइंग के पहले तो यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि गोइंग कोई ऐसा वर्ड नहीं है, नाउन वर्ड नहीं है जिसके साथ द लगे, तो आप कम से कम है जो कि आइडिया के पहले द लगाओगे। और अभी मैंने बोला था कि कुछ चीजें फिक्स होती हैं दुनिया में, जैसे कि डिलाइट के साथ में एट, है ना, डिलाइटेड के साथ में हमेशा क्या एट, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा क्या इन, है ना। अब ये सब चीजें फिक्स है, अगर आप इन सब चीजों के अभी तक स्टूडेंट नहीं रहे हैं तब आपको दिक्कत हो सकता है। तो मुझे पता चल रहा है कि डिलाइट के साथ यहाँ पे एट का कॉम्बिनेशन वेस्ट होगा, इसलिए आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, एक नंबर होगा। बाकी ऑफ के पहले, आइडिया के पहले यहाँ पे एन नहीं द होता, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाता है आपका। और बाकी तो आपको पता ही है, फिर से वही नियम लगाइए, ऑफ के पहले आइडिया के पहले द होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सेशन का है, दिस वाज एन वनली मिस्टेक, कैसे होगा जब वनली अपने आप में, खुद ही बताइए कि वनली जो है वो तो खुद ही ए और एन के जैसा वर्ड है, तो इसके साथ हम एन कैसे लगा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन में ये गलत है तो गलत है। अब इसको करेक्शन करने का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में वनली, फ्यू, लिटिल, वेरी या कोई सुपरलेटिव सेंस का, डिग्री का कोई भी टर्म, ये सब जब भी नजर आएगा तो आपको क्या लगाना चाहिए उसके आगे, द। तो द वनली मिस्टेक, द फ्यू बॉयज, द, है ना, लिटिल मिस्टेक, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आंसर फाइनली क्या सी आएगा। तो ये छोटा सा सेशन जरूर है लेकिन आप लोगों को रिवीजन के लिए बहुत ही जरूरत है, अगर आर्टिकल में ऐसा लगता है तो इस टेस्ट को दोबारा दीजिए, है ना। इस टेस्ट का पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो सकता है, आप बोलिएगा तो हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप उसे दोबारा बना सकते हैं, और उसके बाद सॉल्यूशन वीडियो फिर से एक बार देखिए। और मैं तो कहूँगा कि आर्टिकल के टॉप कॉन्सेप्ट आप लोग खुद से बैठ के नोट करिए। तो चलिए, आप लोगों को कंटिन्यू इस सेशन में बने रहना है, कल का होमवर्क मैं अपडेट कर दूंगा, आप उसे बना लीजिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वगैरह पे तो जल्दी से ये वाला जाकर के बैच बाई कर लीजिए, जहां पर ये टेस्ट देने के बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं।